नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं सीजी लाइव की रिपोर्ट। आज बंद रहेंगे जयपुर उदयपुर, गुजरात बॉर्डर पर बसों को रोका। कन्हैयालाल के हत्यारों से एनआईए करेगी पूछताछ। उदयपुर में गुरुवार को तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। मंगलवार को दिन दहाड़े हुए तालिबानी बॉर्डर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद उदयपुर प्रशासन ने एहतियातन शहर भर में कर्फ्यू लगाया था। प्रदेश भर में इंटरनेट भी बंद है। इधर आज प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न संगठनों ने बंद बुलाया है। उदयपुर संभाग में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पड़ोसी राज्य गुजरात ने डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में आने वाली गुजरात रोडवेज की बसों को गुजरात के आखिरी बस स्टैंड शामलाजी में रोक दिया है। इसके बाद सभी यात्रियों को शामलाजी से राजस्थान आने वाली दूसरी बसों से अपने घरों या कामकाज वाली जगह पर जाना पड़ा। गुजरात रोडवेज की सभी बसें अगले आदेशों तक राजस्थान में नहीं आएंगी। वहीं गुजरात रोडवेज की जितनी बसें राजस्थान में हैं, उनको भी वापस बुलाने का निर्णय गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने लिया है। गुजरात की सरकारी बसों को छोड़कर अन्य निजी बसें यथावत चल रही हैं। उदयपुर के एडीएम ओपी बुनकर ने बताया कि बुधवार को दो शिफ्ट में लैब असिस्टेंट परीक्षा थी, इसके चलते थोड़ी ढील दे दी गई थी, मगर गुरुवार को यह परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में है। ऐसे में सख्ती ज्यादा हो सकती है। पूरे प्रदेश में एक महीने के लिए धारा 144 लागू लगा दी गई है। उदयपुर और जयपुर में बंद का ऐलान किया गया है। आज उदयपुर आएंगे सीएम। मामले में एनआईए की जांच और पूछताछ गुरुवार को भी जारी रहेगी। एनआईए, एसआईटी और उदयपुर पुलिस ने पकड़े गए गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार के घर पर भी छापेमारी की गई है। गुरुवार को एनआईए पूछताछ आरोपियों की गिरफ्तारी दिखा सकती है। इसके 24 घंटे बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उधर गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, सीएस, डीजीपी एवं अन्य अधिकारी उदयपुर आएंगे। यहां कन्हैयालाल के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। मेगा सीजी लाइव की रिपोर्ट।